वेलकम टू माला की पाकशाला। आज माला की पाकशाला में बनने वाला है गर्मियों का स्पेशल कच्चा आम का खट्टा मीठा अचार। हाँ जी, ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जितना ये टेस्टी है उतना ही ये हेल्दी है, क्योंकि आज हम इसे बनाने वाले हैं गुड़ से। तो इसके लिए देखिए, यहाँ मैंने आधा किलो कच्चे आम ले लिए हैं। आम आप चाहे बड़ा लें चाहे छोटा लें, बस ये देख लें कि जो आम है वो एकदम कच्चा होना चाहिए। आम को अब हम छील लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आम को छील लिया है। अब हम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरह के और भी कई टेस्टी आम की आइसक्रीम और आम का अचार आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनको हम इस तरह से इस साइज के टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने आम को काट लिया है। अब इनको रख देते हैं साइड और चलते हैं आगे की तरफ। लीजिए एक बड़ी कढ़ाई, उसमें डाल देंगे हम एक बड़ा चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखिए और इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम सौते कर लेंगे। देखिए, सौंफ और जीरा हो गया है, इसमें डाल देंगे हम आम के टुकड़े। डालिए एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक। अब हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। देखिए, यहाँ मैंने आम को करीब एक मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से सौते कर लिया है। इसमें डाल देंगे आधा कटोरी पानी और इसको अब हम ढककर अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जो गैस का फ्लेम है वो लो ही रखिए। यहाँ देखिए, आम हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। आम को सॉफ्ट होने में करीब 5 मिनट लगा है और मैंने इसे बीच में 1 से 2 बार चला लिया था। अब इसमें हम डाल लेंगे 200 ग्राम गुड़, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसको भी हम गुड़ के पिघलने तक ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में चला लेंगे। देखिए, यहाँ हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे काला नमक। नमक बहुत ध्यान से डालिए, नमक हमने पहले भी इसमें डाला था। 1/4 चम्मच गरम मसाला। बस इन सबको करते हैं अच्छे से मिक्स और इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही पकने देते हैं। देखिए, यहाँ मैंने इसे करीब 1 मिनट तक और पकने दिया है। अब हमारा आम का अचार बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ देखिए, अचार एकदम ठंडा हो गया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इसी तरह की हमें चाहिए। अब इसको कर लेते हैं सर्व। देखिए, यहाँ मैंने इसे सर्व कर लिया है। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इस अचार को आप चाहे पराठे के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ, ये उतना ही अच्छा लगता है खाने में। अब इसको उठाकर एक एयर टाइट जार में रख दीजिए और करीब आप इसे 6 महीने तक यूज़ कर पाएंगे। तो इसी तरह की टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरी बनाई हुई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।